ये झुक रहे हैं, ये पत्थर है, और कुछ छुपा तो नहीं है सर? छुपा है, लाइट दिखाइएगा सर ना। और ये पहाड़ के अंदर में है, बहुत खतरनाक ये पहाड़ है अंदर। अब इधर अंदर जा सकते हैं? गैया सब कैसे आ जाता है भाई? एक गोबर है, अंदर जाए का? भालू उलू तो नहीं है ना? नहीं। है? हो सकता है? नहीं, देखिए अंदर तो चलिए। अब दोनों लाइट दिखाए यार। अब ये है गुफा के अंदर, बड़ा ठंडा लग रहा है। ये दोस्तों इधर कुछ नहीं है, यहीं तक है। दिखाइए लाइट, दिखाइए। नहीं है, ये है। नहीं यार, धंस तो गई यार। ये जो पानी बोले रहे हैं, पानी पानी अभी नहीं है, होगा पानी, पानी पानी दिख रहा है। दिखाइए लाइट, आओ दिखाइए, दिखाइए और फोकस कीजिए लाइट। ये है दोस्तों, अंदर में हुई हल्का, तो लाइट जला रहा हूँ मैं भी। ये है लाइट, दिख रहा है। पानी नहीं है लेकिन सूख गया है, पानी हल्का हल्का है। अब यह सुगुरु गुफा के अंदर बिल्कुल बहुत अंदर में घुसे हैं दोस्तों, और बाहर का सीन मैं दिखाऊंगा किस तरीके से है। आखिर में हम लोग 5 किलोमीटर सफर करने के बाद बड़ा मुश्किल से पहुंचे हैं। यहाँ से आप पैदल चलेंगे, यहाँ संभव नहीं है सुगुरु गुफा जाने के लिए। ये कितना दूर जाना पड़ेगा सर? लगभग 2 किलोमीटर के अंदर। कहाँ तरफ जाना पड़ेगा बताइए? पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। दोस्त लोग अब तैयार हो रहे हैं, पानी उनी पी लो भाई ना, चार्ज हो लो, काहे कि अभी पैदल चलना है 3-4 किलोमीटर वहाँ पर है यहाँ। लेकिन दो पहलू में मैं बात करूंगा कि यहाँ प्राकृतिक रूप से बेहद ही खूबसूरत और उपम खूबसूरती का यहाँ पर सौगात ईश्वर ने, ऊपर वाला ने बनाया है। यहाँ पर हवा बेहद सुकून है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरफ अगर बात करूँ, अगर यहाँ पर रोड बन जाए तो यहाँ से खूबसूरत और कहीं हो नहीं सकता। अगर रोड बन जाए, आवागमन एकदम बहुत, रोड का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आते आते ऊबड़ खाबड़ पथरीला है तो उसे सामना करना पड़ा। यहाँ की स्थानीय लोग से भी मिलेंगे और जायजा लेंगे कि कैसे यहाँ का लोग पढ़ने जाते हैं, कहाँ पढ़ने, राशन का, राशन के लिए कहाँ जाते हैं, क्या स्थिति है, तमाम जानकारी लेंगे। पगडंडी यात्रा मंगल में बहुत मज़ा भी आ रहा है, और यहाँ गजब का यार दृश्य है। ऐसा दृश्य देखने को बहुत नहीं मिलता है भाई। 10 किलोमीटर आए हैं, देखिए राजेश सर लोग सब सफ़र कर रहे हैं आगे। अमित तिवारी, ओम नारायण, ये सर लोग हैं सब। वो लोग लड़का लोग आ रहे हैं सर? घर नहीं आ रहे हैं, वहीं पर अभी जुटवाइएगा, इंटरव्यू लेंगे। देखिए चिड़िया भाग रहा है उधर आसमान में। यहाँ से कितना दूर है सर? ये बराबर हो चुका है, अब पहुँचने वाले हैं। बोल रहे हैं इसी पहाड़ के उस पार है का? कौन? ये नदी नाला के बीच में हम लोग देखे, सूख चुका है पानी, एक भी नहीं है। अगर यहाँ पर गलती से पानी प्यास लग गया तो सोचो कि तड़प क्या होगा। नदी नाला सब सूख गया है, बीच बीच में है कहीं कहीं पर पानी है। बहुत अच्छा भी लग रहा है देखिए चलते हुए, याद करते हुए। ये नदी है, ये कौन सा नदी है बताए सर? परसा कछार नदी है। ये पूरा गोल गोल टाइप का पत्थर है। यहाँ मेरा ब्लॉग्स में लगातार बने रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लगातार वीडियो आप बन रहा है, बरकरार रही है। हम लोग आज सुगुरु गुफा जा रहे हैं। बलि और सुगुरु के बीच में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता था महाभारत या रामायण काल में। ये क्या है सर, कौन सा बांध है सर? कोई बनवा रहे थे है ना, तो इधर भी बना रहे। देखिए जंगल झाड़ चट्टान को भी लोग काट करके पूरी तरह से हड़पने के लिए चक्कर में पूरा लगे हुए हैं। देखिए जंगल विभाग बनवाया है, न जाने कौन बनवाया है, पता नहीं चल रहा है। जंगल विभाग का है सर? जंगल विभाग लोग ऐसे बना रहे हैं खेत है ना। और देखिए बालू है, नदी है, सफ़र कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। देखिए कितना सफ़र का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऊपर ऊपर चढ़ते हुए, और राजेश सर लोग भटक गए हैं, कहाँ तरफ जाना है इस पास से तो रास्ता था लेकिन इधर चढ़ गए है ना, गाइड लोग भी भूल गए हैं, डाउटफुल लग रहा है। सुगुरु गुफा का ही दृश्य है। अच्छा ये क्या है पत्थर? सुगुरु गुफा का एक कुछ मान्यता है? मान्यता है। अच्छा जो भी मान्यता करते थे, मानते थे, वो पूर्ण होता जी। इसमें मानना है, आज अगर शपथ लेके जाते हैं तो कुछ मांगेंगे। ये सुग्रीव रामायण काल से महाबली और राम भगवान की याद दिलाता है, लड़ाई झगड़ा हुआ उन लोग के बीच में, बहुत सारा लिखाया हुआ है। और पत्थर के बीच गुफा, इसी में अंदर जाते हैं ना सर? तो टॉर्च आप लोग जलाइएगा, अंदर घुस सकते हैं, तो सब लोग रहेंगे तब जाएंगे, एक साथ में जाएंगे। इंतजार, आइए सर। और
गुफा को किस में घुसना पड़ेगा सर? एक ही तो है ये, देखिए बहुत बड़ा चट्टान है। का पर्वत बोलते हैं सर इसको? का पर्वत, का पहाड़? बंदरकोट पहाड़ के अंदर 10 किलोमीटर अंदर में, जो कि मेन पार्ट के अंदर चारों तरफ से पहाड़ है। आप दृश्य देख सकते हैं दोस्तों, ये दृश्य बहुत बड़ा दृश्य है, एक से बढ़कर एक दृश्य है। ये सिगरू गुफा में हम लोग पहुँचे हुए हैं। बड़ा सा चट्टान है, चट्टान के अंदर बहुत बड़ा गुफा है। गुफा में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम स्पेशल दमाली से हमारे साथी आए हुए हैं, जो कि गाइड बताएंगे जानकारी। हम कभी नहीं आए थे, बड़ा पसीना बहाकर पहुँचे हुए हैं। और उधर फोटो शूट कर रहे हैं राजेश सर लोग, देखे छोटा सा दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं गुफा में, असली कहानी देखते हैं गुफा को, लोगों को। और टाटे के जूता पहन कर अब यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं महाबली सुग्रीव से, और सुग्रीव से मन्नत जरूर पूरा होता है। जय सुग्रीव भगवान, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। हम लोग जो भी सफलता यूट्यूब में सफल होना चाहते हैं, करोड़ों बिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, और लोग देखें और सब्सक्राइब करें। और बहुत गुफा है तो डर भी लग रहा है, लेकिन आप लोग के लिए भी डर लगे चाहे कुछ भी दिखाना तो पड़ेगा, लाइट दिखा के ही चलेंगे। एक गुफा, गुफा में प्रवेश करते हैं। शुरू में खड़ा होकर के प्रवेश करेंगे, इसके बाद छोटा होते जा जाते, लेकिन खतरनाक लगता है, लेकिन यहाँ पर देखना है। चलिए सर लाइट, आप नहीं घुसेगा, डर गए देखिए बहुत लोग। तो हम लोग प्रवेश करते हैं, लाइट जलाइए सर। ये झुक रहे हैं, ये पत्थर है, और कुछ छुपा तो नहीं है सर? छुपा है। लाइट दिखाइएगा सर ना। और ये पहाड़ के अंदर में है, बहुत खतरनाक ये पहाड़ है अंदर। अब इधर अंदर जा सकते हैं? गड़िया सब कैसे आ जाता है भाई? एक गोबर है, अंदर जाए का भालू तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, हो सकता है नहीं। देखिए अंदर तो चलिए, अब दोनों लाइट दिखाए यार। अब ये है गुफा के अंदर, बड़ा ठंडा लग रहा है ये दोस्तों। इधर कुछ नहीं है, यहीं तक है। दिखाई लाइट दिखाइए, नहीं है ये है। ना यार धस तो गई यार, ये जो पानी बोले रही है, पानी पानी अभी नहीं है, होगा पानी, पानी पानी दिख रहा है। दिखाई लाइट, आओ दिखाइए, दिखाइए आप, फोकस कीजिए लाइट। ये है दोस्तों अंदर में, तो लाइट जला रहा हूँ मैं भी। ये है लाइट दिख रहा है, पानी नहीं है लेकिन सूख गया है, पानी हल्का हल्का है। अब ये सुग्रीव गुफा के अंदर बिल्कुल बहुत अंदर में घुसे हैं दोस्तों, और बाहर का सीन मैं दिखाऊंगा इस तरीके से है। रहस्य सुग्रीव गुफा दिखाने का मकसद, और आप लोग देखिए कि गुफा बहुत अंदर में है, अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं गया आधा दूर तक, इसके बाद सांस लेने में दिक्कत हुआ इसलिए बाहर निकल गया और सुग्रीव गुफा में आए। एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, देखिए ये टी शर्ट में पसीना आ गया है, कितना ज़्यादा मेहनत की है, 10 किलोमीटर पैदल चल के पसीना भी आ रहा है। तो यहाँ पर पूरा वीडियो को देखिए, एक बार आप भी आइए है ना, पानी लेकर के और खाना पीना मतलब जो भी आप ले के आइए, पैदल चलिए। और गर्मी के दिन में क्या है कि पानी सूख जाता है, नदी है यहाँ पर, तो आप आइए। और चारों तरफ से पेड़ पौधा है और काफ़ी अच्छा, तो ऊपर चढ़ा देंगे, वो सीन है बहुत अच्छा। अब एक ठाव गुफा कहाँ बता रहे थे सर, ऊपर वाला कहाँ पर? वो वहाँ पर जंगल जहाँ घाट, अभी हम घाट चढ़े हैं। कहाँ घाट? ऊपर में है ना, देख चुके हैं कहाँ पर घाट चढ़े हैं। बाइक से आ रहे थे, हाँ, समय भी बहुत ज्यादा, ज्यादा घाट चढ़े, हाँ, उसके ऊपर से वो पहाड़ में का गुफा है, वो इसने गुफा इस टाइप का है, इतना टाइप का है, अंदर में है, इतना रहता है। अच्छा तो गुफा है बता रहे हैं, वो गुफा को भी दिखाएंगे, चाहे अगला राउंड में आएंगे तो दिखाएंगे। का गुफा का नाम है? सिर्फ गुफा नाम से बोलते हैं, गुफा झरिया है ना। वो जा रहे हैं, देखिए सीन सेटोमेटिक सीन दिखा, तो एक बार फिर से व्यू दिखाता हूं। तब तक मेरा वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब, कैसे लगा सुग्रीव गुफा, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।